हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे हैं 11:15 और आज है हमारा डे 3 ऑफ द मशोबरा ट्रिप। आपने पिछले एपिसोड्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम आज मशोबरा में हैं। टुडे वी प्लान टू स्टार्ट आर जर्नी बैक टुवर्ड्स नोएडा। सो यू नो, अब गाड़ी लोड हो चुकी है, ब्रेकफास्ट हम कर चुके हैं। हम एक बहुत ही बढ़िया एयरबीएनबी होम स्टे में रह रहे थे मशोबरा में, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी। सो ये होस्ट बहुत बढ़िया हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डू चेक इट आउट। हमें बड़े प्यार से इन्होंने रखा, अच्छे से खिलाया पिलाया, इट वाज अ वंडरफुल स्टे। लोकेशन बहुत अच्छी है, थोड़ी सी रिमोट है, सो जो लोग शांति सेक्लूजन चाहते हैं, दैट्स इट्स अ वेरी गुड प्लेस फॉर देम। अब अपन स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी वाया शिमला, अम्बाला एंड सो ऑन, और सीधा पहुँचेंगे दिल्ली की ओर। अब स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी आगे का दिन कैसा रहता है। तो गाइज, अब हम निकल चुके हैं ऑन आवर वे बैक टू नोएडा। रास्ते में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आपके पास, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहां पे आपको कुछ फूड आइटम्स या कुछ बेस्ट फूड ऑप्शंस के बारे में आपको बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड, आगे चलते हैं, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और आप देख सकते हैं क्या बढ़िया टेरेन है, गाड़ी चलाने का मज़ा ऐसे टेरेन पे अलग ही आता है। आराम से गाड़ी ऊपर चढ़ाते नीचे उतारते मज़े लेते हुए हम अपना ट्रिप ख़त्म कर रहे हैं। सो गाइज, अभी हम चले मशोबरा से और टुवर्ड्स शिमला, और थोड़ी दूर चलते ही सी व्हाट हैपेंड, फंसे हैं जाम में। सो अब आगे देखते हैं ये कितना लंबा जाम है, कितना टाइम लगता है इसको क्रॉस करने में। सो जस्ट टू गिव यू एन अपडेट, हमें इस ट्रिप पे ऑलमोस्ट हम अब तक जो गाड़ी का रन कर चुके हैं, दैट्स ऑलमोस्ट 480 किलोमीटर हम गाड़ी चला चुके हैं। और अभी तक हम एक बार टैंक फुल कराकर चले थे नोएडा से, अभी तक हमें फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप देख सकते हैं अभी हमारे पास करीब 4 पॉइंट फ्यूल अभी भी बाकी है। सो इसका मतलब गाड़ी बढ़िया एवरेज दे रही है, ऐसी बात नहीं है। और अभी डाउनहिल में तो और बेटर एवरेज आएगा। सो होपफुली हम रीफ्यूलिंग के लिए एक स्टॉप लेंगे टुवर्ड्स चंडीगढ़। उसके अलावा जो हमारा स्टे था, जो वेदर था, बहुत बढ़िया रहा। कल रात में अच्छी खासी बारिश भी हो गई। एक सेकेंड, गाड़ी थोड़ी सी आगे कर लेते हैं, सामने से ट्रक आ रहा है। तो रात में थोड़ी बारिश भी हो गई, दैट वाज लवली। उस वजह से आज बाहर बहुत बढ़िया टेम्परेचर हो चुका है, बहुत कूल हो चुका है। सो इन्जॉय कर रहे हैं ड्राइव को। अभी लिफ्ट के पास थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, ईरत और साहिल कुछ सामान कलेक्ट करेंगे हमारे लिए, लेके जाने के लिए वापस अपनी अपनी फैमिलीज़ के लिए। और उसके बाद प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स अम्बाला। चंडीगढ़ के आसपास एक फ्यूल स्टॉप, और हो सकता है प्लान ये है कि हम लंच करते समय रुकेंगे पूरन सिंह के ढाबे पे, अम्बाला का मशहूर पूरन सिंह का ढाबा, जहाँ का मटन बहुत फेमस है। सो आपको दिखाते हैं, आपको दिखाते हुए चलूँगा कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, एंड लेट्स सी। तब तक इन्जॉय करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ।
सो फ्रेंड्स, क्विक टाइम चेक, बज रहे हैं ऑलमोस्ट 6। हम पहाड़ी उतर के आ चुके हैं। इस समय हम पंचकुला वाली रेड लाइटों पे खड़े हैं, राइट आउटसाइड पिंजौर, और अब आगे मूव कर रहे हैं। सो थोड़ा लेट हो गए हैं, ऑफ कोर्स टारगेट बहुत पहले पहुंचने का था, बहुत पहले निकलने का था, बट कुछ कारणों की वजह से और स्पेशली ट्रैफिक जैम्स की वजह से, क्योंकि बीच में सोलन के आसपास काफ़ी रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस वजह से हमारा काफ़ी टाइम वहाँ वेस्ट हुआ, काफ़ी देर जैम्स में खड़ा रहना पड़ा। तो इस वजह से बातें कर रहे थे इसलिए ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। वो एरिया ऐसा है, आप सब ने कई बार कई व्लॉग्स में देखा हुआ है, मैं क्या ही नया दिखा देता। सो दैट्स हाउ इट इज़। एक चीज़ है, अभी तक पूरे ट्रिप में, टू एंड फ्रो में, सिर्फ एक टोल हमें जाते वक्त लगा था और एक टोल आते वक्त लगा था, वो है सनवारा वाला टोल। और अब हम जो है ये आपके सामने, आपको मैं दिखाता हूँ, ये हिमालयन एक्सप्रेसवे का जो टोल है, ये बिकॉज ऑफ द फार्मर प्रोटेस्ट ये भी इस समय फ्री हुआ है, सो विच इज़ वेरी गुड। तो हमारे टोल के काफ़ी सारे पैसे बचे। अब हम इसको क्रॉस करते हैं एंड डिकुली बाईपास करते हुए सीधा देराबसी की ओर चलते हैं। देराबसी में एक छोटा सा लू ब्रेक मारेंगे और उसके बाद अम्बाला की ओर बढ़ेंगे। एक थोड़ा सा एक स्नैक टाइप का, या एक कह लें या एक मिड मील कह लें, उसके लिए पूरन सिंह पे रुकेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे दिल्ली की ओर। आपको दिखाते रहेंगे हमारा सफ़र, हमारे साथ बने रहिए। सो क्विक टाइम अपडेट गाइस, हम इस समय टाइम है 6:15 और हम जीरकपुर क्रॉस कर चुके हैं और देराबसी की तरफ बढ़ रहे हैं। टोटल अब तक चल चुके हैं इस ट्रिप पे 615 किलोमीटर्स। गाड़ी ने बढ़िया साथ दिया, अच्छा वो रहा, लेकिन हमने ज़्यादा पीछे इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत ट्रैफिक था सोलन वोलन के आसपास, तो वहाँ हम अपना बातें करते रहे और ज़्यादा आगे रिकॉर्ड नहीं किया। अब हम इस समय बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स अम्बाला और प्लान ये है कि कहीं ना कहीं एक फटाफट एक लू ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। एक सेकेंड, ये नीचे कर लेता हूँ गोप्रो, आगे पुलिस वाले खड़े हैं। ऑलराइट, सो जैसा आप देख सकते हैं ये जीरकपुर से हम निकल के देराबसी की ओर बढ़ रहे हैं। अब फटाफट आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या कैसे एक्सपीरियंस रहता है। ट्रैफिक काफ़ी है, इवन दो इट्स अ मंडे, अनएक्सपेक्टेडली हैवी ट्रैफिक है जिस वजह से काफ़ी टाइम लग रहा है जगह जगह क्रॉस करने में। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आज छुट्टी है, अपने कपन ने आज छुट्टी ले रखी है, तो अपने को आराम से घर पहुँचना है। दीपिका अपना वेट कर रही है, बस यही है कि अब धीरे धीरे अपना एक कॉन्स्टेंट स्पीड मेंटेन करते हुए फटाफट घर पहुँचते हैं। तो गाइज अभी हम रुके हैं स्टारबक्स में ऐसे ही वॉशरूम ब्रेक के लिए, एक एक कॉफ़ी उठाते हैं यहाँ से और मूव करते हैं पूरन सिंह के ढाबे के लिए। अभी फटाफट सबसे पहले नेचर्स कॉल। सो गाइज इट्स ऑलमोस्ट 7:30 और हम पहुँच चुके हैं अम्बाला पूरन सिंह के मशहूर ढाबे पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन से पूरन सिंह के ढाबे हैं, बट द मोस्ट ऑथेंटिक इज़ द वन विच इज़ राइट एट द एंड, जिसकी बस स्टैंड वाली रोड के साथ दीवार लगी हुई है। सो हियर वी आर, हम ऑर्डर कर रहे हैं, हमने ऑर्डर किया है कीमा कलेजी एंड मटन करी, जो कि इसका फेमस है। अभी जैसे ही फूड डिलीवर होता है मैं आपको उसके शॉट्स भी देता हूँ, बट आई हैव बीन कमिंग हेयर सिंस एटलीस्ट 15 ईयर्स एंड द फूड हियर इज सिंपली ऑसम। तो जैसे ही फूड डिलीवर होता है हमारी टेबल पे, मैं आपको उसके शॉट्स भी देता हूँ, बट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली, दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। आइए खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं आगे टूवर्ड्स ऑन आर जर्नी टूवर्ड्स दिल्ली। सो गाइस दिस इज द फेमस पूरन सिंह के ढाबे की मटन करी एंड देन दिस इज़ कीमा कलेजी। सो टेस्ट करते हैं और उसके बाद खाना खाने के बाद आपको देते हैं रिव्यू कि हमें यहाँ का खाना कैसा लगा। सो गाइज क्विक टाइम चेक,
टाइम हो रहा है 9:20, हम पहुंच चुके हैं घरौंदा, सो वी आर अबाउट टू टच पानीपत और पूरन सिंह के ढाबे पे खाना खाया, इट वाज अमेजिंग, बहुत मज़ा आया खाना खा के, मटन खाया, कीमा कलेजी खाई, रोटी चावल सब साथ साथ में, इट वाज वेरी टेस्टी। अब टारगेट इज़ कि फटाफट पानीपत क्रॉस करते हैं और उसके बाद ईपीई पकड़ के अपन नोएडा की तरफ चलते हैं। अभी एक साइन बोर्ड पास हुआ है पानीपत 16 किलोमीटर्स, सो होपफुली बाय 10 o'clock वी शुड बी टचिंग ईपीई, और अगर 10 o'clock ईपीई टच कर दिया तो 11 बजे के अंदर अंदर, बारिंग एनी ट्रैफिक जैम ऑन मेरठ एक्सप्रेस वे, 11 बजे के अंदर अंदर हमें नोएडा अपने घर पहुँचना चाहिए। अभी तक का ट्रिप बहुत ही अमेजिंग रहा है, बहुत बढ़िया, हमने खूब हंसी मजाक किया, खूब इन्जॉय किया, खूब खाया पिया, शरारती पानी का खूब सेवन हुआ। ऑफ कोर्स आज बिकॉज ड्राइव कर रहे हैं तो बिल्कुल सब तीनों भाई एकदम सूफी बैठे हैं और खाते पीते चल रहे हैं अपना आराम से, खाते पीते इन द सेंस नॉन अल्कोहलिक। एंड इस समय जिस हिसाब से हमें ट्रैफिक शिमला से उतरते हुए मिला था उसके कंपैरिजन में नीचे चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच में ट्रैफिक कम है, इसलिए गाड़ी अच्छी बढ़िया स्पीड पे चल रही है, 100-120 पे क्रूज़ कर रहे हैं, बट ड्राइव इंजॉयबल है। और अब थोड़ी थोड़ी थकान भी है क्योंकि 3 दिन खूब धमा चौकड़ी मची है, तो आज का ऑब्जेक्टिव यह है कि घर पहुँचें और सीधा डीप डाइव इनटू बेड ताकि कल सुबह ऑफिस के लिए एकदम रगड़म पट्टी के लिए तैयार हो सकें। तो पहुँचते हैं घर और उसके बाद आपसे मिलते हैं, तब तक आप ये ड्राइव के व्यूज़ एंजॉय करिए। तो गाइज टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 12:30 और हम पहुंच चुके हैं अपने घर इस ट्रिप को करते हुए एंड। आज के दिन में हम टोटली चले हैं 436.9 किलोमीटर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी एवरेज स्पीड 344, टॉप स्पीड 3123 और हमें जो माइलेज मिली है वो है 13.7 km/h। जिस टेरेन पे हम गए थे दैट्स प्रीटी डिसेंट। एंड देन इस ट्रिप पे जो टोटल हमने गाड़ी चलाई है दैट इज 905 किलोमीटर्स, विच इज अगेन प्रीटी गुड अमाउंट ऑफ ड्राइविंग। सो साहिल इरत, मजा आया आज इस ट्रिप पे कि नहीं? इट वाज गुड, है ना? तो जल्द ही दोबारा मिलेंगे, दोबारा ऐसा एक आध ट्रिप और प्लान करते हैं ताकि और ऐसे व्लॉग्स भी बन सकें और हमारा एक्सपीरियंस भी और बढ़ सके। सो गाइज आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। अब गाड़ी अनलोड करेंगे, सामान वामान चढ़ाएंगे, उसके बाद अपने बिस्तर पे जाएंगे। अभी साहिल और इरत को यहाँ से जाना है गुड़गांव मेरे घर नोएडा से, सो सामान का आदान प्रदान होगा और उसके बाद ये आगे जाएंगे और मैं जाऊँगा बिस्तर में। मैं आपसे मिलूँगा जल्द ही अगले व्लॉग में, अभी नेक्स्ट कोई भी ट्रिप प्लान नहीं है, जैसे ही कोई ट्रिप प्लान होगा मैं उसका एक टीज़र या कुछ ज़रूर डालूँगा और आपसे मिलूँगा। जाते जाते फिर एक गुजारिश, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल
आपका प्यार हमें मिलता रहेगा तो ऐसे व्लॉग्स ज़रूर आते रहेंगे। और अगर आपको रिकॉर्डिंग के मामले में, एडिटिंग के मामले में कोई भी फीडबैक देना हो, प्लीज़ फील फ्री टू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन इस व्लॉग में या इससे पिछली इस पूरी सीरीज़ में शेयर की है, जो भी जितनी मैक्सिमम पॉसिबल डिटेल्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि यू कैन रेफर टू इट एज एंड व्हेन यू नीड इट। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैंने फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोबारा मिलते हैं आपसे जल्दी, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय।